हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सी लैंग्वेज। लैंग्वेज की जहाँ तक आप बात करो तो लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज किसको बोलते हो आप लोग? लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने मन के फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो लैंग्वेज को अगर आप डिफाइन करो, लैंग्वेज तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ टेक्निक बाय विच वी एक्सप्लेन आवर फीलिंग्स। अब बात आती है कि जो भी लैंग्वेज, दुनिया में ढेर सारा लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ढेर सारा लैंग्वेज है, तो कोई भी लैंग्वेज आपको कब आएगा? इसके लिए आप सोचो कि कोई भी लैंग्वेज आपको कब आएगा, मतलब ऐसा सोचो कि आपने हिंदी बोलना कैसे सीखा, इंग्लिश बोलना आपने कैसे सीखा, या फिर संस्कृत में कोई लिख लेता है तो वो कैसे लिख लेता है। उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक चीज जो है वो है हमारा सेंटेक्स, और दूसरी चीज है हमारा ग्रामर। मतलब अगर आपने हिंदी बोलना भी सीखा होगा तो हिंदी में भी सबसे पहले आपको आपके पिताजी ने, या आपके भाई साहब ने, या आपके चाचा ने, या फिर आपके जो भी हैं, उन्होंने आपको सिखलाया होगा सेंटेक्स। सेंटेक्स कहने का मतलब लिखने का तरीका। जैसे हिंदी लिखने के लिए आपको उसने सिखाया होगा अ ऐसे लिखते हैं, क ऐसे लिखते हैं, ज ऐसे लिखते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज, हिंदी में जैसे आप बात करो हिंदी की, तो हिंदी में 57 लेटर्स हैं, तो वो जो 57 लेटर पहले वो आपको सिखाया होगा किसी ने। तो चूंकि आप बात कर रहे हो लैंग्वेज का, तो किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहली चीज होती है सेंटेक्स। सेंटेक्स बहुत जरूरी है, और अगर आपको सेंटेक्स आ गया तो उसको आपने अगर ग्रामेटिकली अरेंज कर दिया तो वो मेरा एक मीनिंगफुल सेंस में आ जाएगा, और वो हमारा कोई ना कोई मतलब होगा जिससे कोई ना कोई कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो अगर आप ग्रामर की बात करो तो ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सी चीजें? सेंटेक्स, सेंटेक्स मतलब लिखने का तरीका, ग्रामर, ग्रामर कहने का मतलब रूल्स ऑफ लैंग्वेज। सेंटेक्स एंड ग्रामर ये दो अलग अलग चीजें हैं किसी भी लैंग्वेज में। आपको ये दो चीजें आनी ही चाहिए, सेंटेक्स भी आनी चाहिए और ग्रामर भी आनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करो, कंप्यूटर लैंग्वेज, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज जो है हमारा, ये भी हमारा एक लैंग्वेज है। और ये मेरा किस तरीके, मेरा लैंग्वेज जो है, अगर लैंग्वेज को आप एक्सप्लेन करो तो लैंग्वेज हमारा दो तरीके का हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कहने का मतलब कि ऐसा लैंग्वेज जिसका अपना ग्रामर होगा और अपना सेंटेक्स होगा। जैसे हिंदी, हिंदी की बात करो तो हिंदी हमारा एक वर्बल लैंग्वेज होगा जिसका अपना लिखने का तरीका भी है, और उसका भी हिंदी का अपना एक व्याकरण भी है जो कि आप पढ़ रहे हो। इसी तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारा क्या है, उसका भी अपना लिखने का तरीका, अल्फाबेट अवेलेबल है, और साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ ग्रामर भी अवेलेबल है, ठीक है जी। और एक लैंग्वेज ऐसा भी होता है जो नॉन वर्बल है, जिसका ना तो लिखने का तरीका है और ना ही कुछ ग्रामर है, ऐसा लैंग्वेज हमारा कहलाता है नॉन वर्बल लैंग्वेज। जैसे अगर आप किसी को ब्लिंकिंग कर देते हो, या किसी को बाय बाय कर रहे हो, या किसी को बोल रहे हो कि भाई ऐसे आके, मतलब ना ढिला रहे हो ऐसे, मम्मी पूछ रही है खाना खाया है ना, तो ये मेरा किस तरीके का लैंग्वेज है? ये मेरा नॉन वर्बल लैंग्वेज है जिसका ना तो कोई ग्रामर है और ना तो कोई सेंटेक्स है। किसी को बोलोगे हाथ हिलाने को तो ऐसे ऐसे हिलाता है, कोई ऐसे ऐसे हिलाता है, मतलब इसका कोई तरीका नहीं है। तो वैसा लैंग्वेज हमारा कहलाता है नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो अगर आप बात कर रहे हो कंप्यूटर लैंग्वेज का, तो जो भी हमारा वर्बल लैंग्वेज होगा उसका ग्रामर होगा और सेंटेक्स होगा। तो जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोबल हो, फोर्टन हो, जो भी लैंग्वेज होगा, उस सारे लैंग्वेज को हम लोग वर्बल लैंग्वेज के अंदर में ही रखेंगे। अगर सी हमारा एक वर्बल लैंग्वेज है तो उसका अपना एक सेंटेक्स भी होगा और अपना एक ग्रामर भी होगा। तो सी लैंग्वेज आपको तभी आ सकता है जब आप उसका सेंटेक्स सीखो और उसका ग्रामर सीखो, तभी आप उसमें प्रोग्रामिंग कर पाओगे, ठीक है जी। तो अभी हम लोग ने कहा था कि लैंग्वेज क्या चीज़ है, कि लैंग्वेज क्या होता है। अब हम लोगों ने कहा कि लैंग्वेज हमारा आमतौर से दो तरीके का होता है, कौन कौन? वर्बल लैंग्वेज, और दूसरा है हमारा नॉन वर्बल लैंग्वेज। अगर आप वर्बल लैंग्वेज की बात करो तो इसका
हैविंग ग्रामर, ये अपना ग्रामर भी रखता है एंड सेंटेक्स, और अपना सेंटेक्स भी रखेगा, दोनों ही चीजों को रखेगा। वैसा लैंग्वेज जो अपना ग्रामर रखेगा और अपना सेंटेक्स रखेगा, वो लैंग्वेज हमारा कौन सा लैंग्वेज कहलाएगा? वर्बल लैंग्वेज। और एक ऐसा भी लैंग्वेज है जिसका ना तो ग्रामर है, नो ग्रामर, इसका कोई ग्रामर नहीं होगा, और नो सेंटेक्स, नहीं कोई सेंटेक्स है इसका, तो ऐसा लैंग्वेज हमारा नॉन वर्बल लैंग्वेज कहलाएगा। ठीक है जी। तो अगर आप बात कर रहे हो कंप्यूटर लैंग्वेज का, तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज हमारा वर्बल लैंग्वेज के अंदर में आता है। वर्बल लैंग्वेज आप समझ रहे हो, वर्बल लैंग्वेज क्या हुआ, मतलब इसका अपना प्रॉपर ग्रामर होगा और अपना प्रॉपर सेंटेक्स होगा। मतलब वैसा लैंग्वेज जिसका ग्रामर है, सेंटेक्स है, वर्बल लैंग्वेज है। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो कंप्यूटर लैंग्वेज में भी अपना प्रॉपर ग्रामर है उसका, और अपना एक प्रॉपर सेंटेक्स है। तो अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो वो मेरा एक वर्बल लैंग्वेज है। अब हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री, आखिर किसी भी किसी चीज का हिस्ट्री होता है, उस हिस्ट्री के ऊपर हम लोग फोकस हो रहे हैं कि आखिर कंप्यूटर लैंग्वेज का हिस्ट्री कैसे कैसे आगे बढ़ा है। तो इस पे हम लोग कुछ डिस्कस कर ले। जैसे आप देखो मोबाइल का, तो मोबाइल का भी अपना कुछ जनरेशन है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज का जैसे 1G है, 2G है, 3G है, 4G, अब तो 5G आने वाला है, तो इसी तरीके से मेरा कंप्यूटर लैंग्वेज का भी जनरेशन है। तो अगर हम लोग जनरेशन की बात करो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर हम लोग बात करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इस जनरेशन को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है कितने पार्ट में, इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करो तो इसको हम लोगों ने कितने पार्ट में क्लासिफाई करा हुआ है, 4 पार्ट में। ठीक है जी। तो जो मेरा पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट का नाम है मेरा एल्गोल, एल्गोल। दूसरा जो है हमारा, वो हमारा BCPL। तीसरा पार्ट जो है उसको आप बोलो बी लैंग्वेज, और चौथा पार्ट जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं सी लैंग्वेज। ठीक है जी। तो जो मेरा कंप्यूटर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम लोगों ने 4 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, मतलब उसका जनरेशन जो हमारा वो 4 पार्ट में है। पहला मेरा कौन सा है, एल्गोल। एल्गोल क्या है, एल्गोल मेरा पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था। ये कैसा कंप्यूटर लैंग्वेज था, जिसका ना तो कोई ग्रामर था और ना ही कोई सेंटेक्स था, तो मतलब जिसको जैसे मन उस तरीके से उसने लिखा, और वो सक्सेस हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वो भी ठीक है। बात वही है कि आप रास्ते में चल रहे हो, किसी गली में घुस गए और पता नहीं है रास्ता किधर है, मेन रोड किधर है, और गली में, इस गली में, उस गली में होते होते निकल गए, तो तुक्का लगा करके हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। वैसा लैंग्वेज हमारा कौन सा लैंग्वेज है, एल्गोल। ठीक है। तो जो ये एल्गोल लैंग्वेज है, इसका ना तो कोई ग्रामर है, नो ग्रामर, इसका ना तो कोई ग्रामर है एंड नो सेंटेक्स, इसका ना तो कोई ग्रामर है और ना ही कोई सेंटेंस है, किसका, एल्गोल का। ये जो मेरा एल्गोल लैंग्वेज है, इसका ना तो कोई ग्रामर ना सेंटेक्स, तो इसका ना ग्रामर ना सेंटेक्स, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि वैसा लैंग्वेज जिसका ना तो कोई ग्रामर होगा और ना ही कोई सेंटेक्स होगा, वो किस लैंग्वेज के अंदर में आएगा, नॉन वर्बल। तो ये मेरा किस किस तरीके का लैंग्वेज है, एक नॉन वर्बल लैंग्वेज है, क्योंकि ना तो इसका कोई ग्रामर है और ना ही कोई सेंटेक्स है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामर खुद भूल जाता था कि आखिर ये हमने कर दिया तो कैसे कर दिया, क्या लगाया हमने, क्या तुक्का लगाया था जिसके कारण इसमें वर्क मेरा हो गया था। तो एल्गोल, इसको डेवलप करने वाली जो ग्रुप थी उसका नाम था इंटरनेशनल ग्रुप, और इसको डेवलप किया गया, ये डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा हुआ, और इसको 1960 में डेवलप किया गया। मतलब एल्गोल ऐसा लैंग्वेज जिसका ना तो ग्रामर ना सेंटेक्स, लेकिन इस पे वर्क परफॉर्म करा था किसने, इसको किसने खोजा था, इंटरनेशनल ग्रुप, जो कि अमेरिका की एक संस्था है, उसने इसको खोजा था, और कब खोजा था, 1960 में। ठीक है। अब बात आ गई कि अब मेरा दूसरा जो इसका जनरेशन है, या दूसरा जनरेशन की बात करो, तो दूसरा जनरेशन है हमारा BCPL। बार बार एग्जाम में आप जाओगे तो पूछेगा कि BCPL का फुल फॉर्म बताओ, कि BCPL का क्या फुल फॉर्म होता है, तो BCPL मतलब है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज, ये मेरा BCPL, BCPL, BCPL का क्या फुल फॉर्म है हमारा, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है जी। ये BCPL जो है इसको खोजा गया था, ये खोजा गया था मतलब इन्वेंटेड इन 1967, और जो इन्वेंटर थे उनका नाम था मार्टिन रिचार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिसने एल्गोल के ऊपर में कुछ प्रोग्रेस करा और उन्होंने एक नया लैंग्वेज बनाया जिसका नाम था BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें सेंटेक्स अवेलेबल था, कहने का मतलब इसके लिखने का तरीका तो अवेलेबल था लेकिन ग्रामर मिसिंग थी। तो मतलब वही बात हो गई कि अ आ राम श्याम ये सब आ गया हमारे पास में, लेकिन अब उसको कैसे सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे कि वो एक मीनिंगफुल सेंस में आ जाएगा, ये चीजें BCPL में डिफाइंड नहीं थी। ध्यान रखना है कि BCPL इज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचर्ड। BCPL कब डेवलप्ड हुआ, 1967। BCPL का फुल फॉर्म क्या होगा, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये चीजें एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसके लिए हमको फोकस रहना है इसके ऊपर में। अब जो मेरा थर्ड जनरेशन था लैंग्वेज का, उसका नाम था बी लैंग्वेज। बी, व्हाई बी, ये बी का मतलब क्या, ये तो BCPL है, अभी हम लोग कह रहे हैं बी। बी लैंग्वेज क्या था एक्चुअल में, जो मेरा बी लैंग्वेज था वो मेरा BCPL का ही रिफॉर्म्ड वर्जन था, ठीक है जी। तो जो BCPL में कमी क्या थी भाई, BCPL में हम लोगों ने सेंटेक्स तो ढूंढ लिया था लेकिन ग्रामर मिसिंग थी, तो हम लोगों ने क्या करा, बी लैंग्वेज में ग्रामर को ढूंढा और एक नया लैंग्वेज बनाया जिसका नाम था बी लैंग्वेज। इसको डेवलप किया, डेवलप करा था केन थॉम्पसन ने। केन थॉम्पसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप करा था, और डेवलप कब करा था, 1970 में, 1970 के दशक में इन्होंने डेवलप करा था बी लैंग्वेज को। और बी लैंग्वेज को ऐसे समझो कि ये लैंग्वेज जो था मेरा एक बेल लेबोरेटरी में डेवलप हुआ था। अमेरिका में एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है बेल लेबोरेटरी, उस बेल लेबोरेटरी में डेवलप करा था। ग्राहम बेल की एक लेबोरेटरी, एक बेल लेबोरेटरी, उसमें उसने डेवलप करा था, और जिसके कारण उसके रेस्पेक्ट में इस लैंग्वेज का नाम रख दिया गया बी लैंग्वेज। और ये एक ऐसा लैंग्वेज था जिसमें सेंटेक्स भी अवेलेबल है और ग्रामर भी अवेलेबल है, समझ रहे हैं। ये जो बी लैंग्वेज था हमारा, ये हमारा एक कंप्लीट कंप्यूटर लैंग्वेज था, क्योंकि इसमें अपना ग्रामर भी था और इसका अपना सेंटेक्स भी था। तो चूंकि किसी भी लैंग्वेज के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, ग्रामर भी और सेंटेक्स भी, तो बी लैंग्वेज जो था मेरा एक कंप्लीट कंप्यूटर लैंग्वेज था जिसको 1970 में डेवलप किया गया। किसके द्वारा, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, केन थॉम्पसन। केन थॉम्पसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था, और कहां डेवलप किया था, बेल लेबोरेटरी, बेल लैब। तो इस बी के कारण ही जो है इसका नाम उन्होंने रख दिया बी लैंग्वेज। यहां तक क्लियर है। अब जो मेरा बी लैंग्वेज था, ये हमारा एक कंप्लीट कंप्यूटर लैंग्वेज होने के बाद भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि इस पे अगर हम लोग वर्क परफॉर्म करते तो एक छोटा सा वर्क करने में भी हमको काफी समय लगता था। तो इसके लिए क्या किया, केन थॉम्पसन ने अपने एक साइंटिस्ट को, अपने एक फ्रेंड साइंटिस्ट को इन्वाइट करा उन्होंने, जिसका नाम था डेनिस रिची। डेनिस रिची को उसने इनवाइट करा कि आप आओ और इस लैंग्वेज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, बी लैंग्वेज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको आकर के दूर करो मेरे साथ, ठीक है। तो बी लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया गया किसके द्वारा, ये बी लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी दूर की गई डेनिस रिची के द्वारा। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज की दूर हुई डेनिस रिची के द्वारा, तो एक नया लैंग्वेज फॉर्म हुआ जिसका नाम था सी लैंग्वेज। और इसको हम लोगों ने सी क्यों कहा, क्योंकि ए के बाद बी और बी के बाद सी, इसलिए इस लैंग्वेज को हम लोगों ने कहा सी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट कंप्यूटर लैंग्वेज था, कंप्लीट कंप्यूटर लैंग्वेज, ये मेरा एक कंप्लीट कंप्यूटर लैंग्वेज था जो डेवलप किया गया था, सॉरी, ये डेवलप किया गया था हमारा 1967
1972। इस दौरान में हमारा ये लैंग्वेज डेवलप हुआ था, सी लैंग्वेज। ये हमारा एक कंप्लीट कंप्यूटर लैंग्वेज था जिसमें ग्रामर भी है, सेंटेक्स भी है और कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है। लेकिन बात हुई कि जब इतना सारा कुछ हो गया, इसके बाद में जो सी लैंग्वेज था, इसको जितनी भी कंट्रीज थी उसको अपने तरीके से उसने यूज करना स्टार्ट किया। कहने का मतलब, अमेरिका ने कहा कि भाई हम इसको अपने लैंग्वेज के आधार पर लिखेंगे। जापान ने कहा कि नहीं, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका भी ग्रामर है, सेंटेक्स भी, हम अपने लैंग्वेज के आधार पर करेंगे। चाइना ने कहा कि इसको हम अपने लैंग्वेज के आधार पर करेंगे। तो अमेरिका ने कहा, रुको, मैं क्या करता हूं, इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर देता हूं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये कभी आपने पढ़ा होगा। उसका क्या मतलब होता है कि ऐसा यूनिट जिसको दुनिया का हर कंट्री फॉलो करेगा, मतलब एक स्टैंडर्ड। मतलब जैसे आपने देखा होगा गांव में जमीन बिकता है, तो जमीन कैसे बिकता है, कहीं कट्ठा के हिसाब से बिकता है, कहीं धूर के हिसाब से बिकता है, कहीं गज के हिसाब से बिकता है। लेकिन उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, कैसे हम लोग मापते हैं जमीन को, मीटर, सेंटीमीटर के हिसाब से। जैसे कहीं देखिएगा तेल, तो तेल आपका या दूध, ये पौवा के हिसाब से मिलता है, लेकिन उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, लीटर है कि नहीं। वजन, वजन जो है, वजन जो हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट केजी, ये दुनिया के किसी भी कंट्री में जाओगे बोलोगे एक केजी चीनी दोगे तो वो 1000 ग्राम ही होगा। इसका मतलब क्या है कि वो एक स्टैंडर्डाइजेशन है। तो इस सी लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन भी किया गया है, और सी लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन ने करा है जिसका नाम है अनसी, ANSI। अनसी ने इसका क्या करा हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन करा हुआ है। इसका मतलब है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, अमेरिकन नेशनल ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इस सी लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। यह स्टैंडर्डाइज हुआ है अनसी के द्वारा। अनसी कहने का मतलब, ये बराबर आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा कि अनसी का फुल फॉर्म बताओ, तो अनसी का मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और जो सी लैंग्वेज का हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म है जिसको दुनिया का हर कंट्री मानता है और दुनिया का हर देश उसको उसी तरीके से प्रोग्रामिंग करता है जैसा आप इंडिया में कर रहे हो, जैसा वही चाइना में भी हो रहा है, वही जापान में भी हो रहा है, वही अमेरिका में भी हो रहा है। मतलब अगर आप यहां से पढ़ के अमेरिका भी जाते हो तो आप यहां आपने जो सी सीखा है वही वहां आपको यूज करना है, दोनों का स्टैंडर्ड सेम है। तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया किसके द्वारा, अनसी के द्वारा। और ये कब किया गया, 1979 में ये स्टैंडर्डाइजेशन करा गया, 1979 में। और इस तरीके से हमारे पास में एक परफेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज मिला, और वो था हमारा ANSI C। आपने यही पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है यही अनसी सी पढ़ना है जिसको दुनिया का हर कंट्री फॉलो कर रहा है, और इसी के ऊपर में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है, इसी का हम लोगों ने ग्रामर भी सीखना है, क्योंकि एक हमारा किस तरीके का लैंग्वेज है, वर्बल लैंग्वेज है, तो इसका आपको ग्रामर भी सीखना होगा, और ग्रामर के साथ साथ इसका क्या सीखना होगा, सेंटेक्स भी सीखना होगा। जब आप ग्रामर और सेंटेक्स इसका सीख जाओगे, इसके बाद में इसमें आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, ये हम लोगों ने मात्र कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, बस हम लोगों ने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा है जिसमें हमने कहा है कि जो मेरा कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके आधार पे आप चलो, तो बस लैंग्वेज देखा है, डेवलपर देखा है और ईयर देखा है, बस। तो मेरा जो पहला लैंग्वेज था वो मेरा लैंग्वेज था एल्गोल। एल्गोल किसके अंदर में आएगा, नॉन वर्बल के अंदर में आएगा। किसने डेवलप करा है, इंटरनेशनल ग्रुप, और कब डेवलप करा है, 1960। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी है वो है हमारा BCPL। ये हमारा एक सेमी वर्बल लैंग्वेज है। सेमी वर्बल हम लोगों ने क्यों कहा, क्योंकि इसमें सेंटेक्स तो है लेकिन ग्रामर मिसिंग है, तो आधी चीजें हैं आधी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा,
कि ये मेरा सेमी वर्बल है, सेमी वर्बल लैंग्वेज है। इसको किसने डेवलप करा था? मार्टिन रिचर्ड। कब डेवलप करा था? 1963। ठीक है जी। इसके बाद ये डेवलप करा था 1967 में। और इसके बाद हमारा एक लैंग्वेज आया जिसका नाम था बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज को किसने डेवलप करा? केन थॉम्पसन। कब डेवलप करा? 1970। और इसी से आगे हम लोगों ने एक नया लैंग्वेज को बनाया जो मेरा एक कंप्लीट कंप्यूटर लैंग्वेज था, जिसको बनाया था डेनिस रिची ने। और कब बनाया था? 1972 में। ये मेरा एक लैंग्वेज था। और इसके बाद में हम लोगों ने एक नया और स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाया जिसका नाम था अनसीसी, जो आपने पढ़ना है। और ये लैंग्वेज को किसने स्टैंडर्ड करा हुआ है? अनसी ने। और कब करा था? 1979 में। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा कि हमारा डिफरेंट तरीके का लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज का अलग अलग अपना जनरेशन है। हम लोगों ने मेन अनसी पढ़ना है, तो चूंकि यहाँ पहुँचना था इसलिए हम लोगों ने इसका हिस्ट्री को समझा। अब इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखते हैं कि आगे क्या करना है।